दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन ऐसा कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी, पशुपालन और सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई तमाम नवीनतम जानकारियां आप किसान भाई बहनों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनका उचित लाभ ले सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही आपको सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे फार्मिंग इंडिया में, और इसके अलावा G20 से जुड़ी हुई विशेष रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। राजधानी दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पशु महामारी तैयारी पहल यानी APPI की शुरुआत की गई। आइए देखते हैं से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। पशु महामारी तैयारी पहल की शुरुआत दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने विश्व बैंक के सहयोग से एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इस परियोजना का उद्देश्य 5 भाग लेने वाले राज्यों में 151 जिलों को कवर करना है, जिसमें 75 जिला और क्षेत्र प्रयोगशालाओं के उन्नयन का लक्ष्य, 300 पशु चिकित्सालयों औषधालयों का उन्नयन सुदृढ़ीकरण, 9000 पैरा वेटरिनेरियन डायग्नोस्टिक प्रोफेशनल्स और 5500 पशु चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पशुपालन क्षेत्र के लिए दो बहुत बड़े इनिशिएटिव लॉन्च किए। उनमें से एक जिसका जिक्र मुरुगन जी ने बताया था, वो मोबाइल वेटरनरी यूनिट, जिसके जरिए हम डोर स्टेप तक पशुपालकों को टेक्नोलॉजी की मदद दे सकते हैं और पूरे देश के पशुओं को वैक्सीनेट करने की एक योजना लॉन्च की गई थी। 13,000 करोड़ रुपए की मातबर राशि का आवंटन करते हुए इस योजना को लागू करने का प्रयास हुआ था। इन दो इनिशिएटिव के बाद अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, अब पूरी दुनिया सजग हो गई है कोरोना के बाद। वैसे हमारे हेल्थ से आए महोदय ने बताया था कि ये चक्र वैसे ही फिर उधर आके रुका है, तो ये बात सही है, मगर हमें दो बिंदु पे विनम्र मेरा मत है कि हमें ख्याल करना होगा। एक तो हम सोच रहे हैं कि हमारा हेल्थ है वो सारी सृष्टि के हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात भी सही है कि वो स्वस्थ नहीं रहेंगे और हम स्वस्थ रह जाएंगे, एक संकल्प अभी ये कल्पना चलने वाली नहीं है। सो सभी का हेल्थ समूह में देखना होगा, इसी में से वन हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट अब उभर कर सामने आया है। दूसरी चीज हमें ये भी सोचनी होगी कि पशुओं के हेल्थ पर हमारी और चीजें भी निर्भर है। उनके हेल्थ खराब होने से हमें मिल्क प्रोडक्शन भी कम मिलेगा, उनके हेल्थ बिगड़ने से हमारा मीट, एग, मिल्क, ये तीनों पर हम डिपेंड है, वो हमारे पे डिपेंड नहीं है।
हमको खाने वाले प्राणी नहीं है। इसका विनम्रता से हमें सबको इनका स्वीकार करना चाहिएगा, हम इन पर निर्भर है। सो फूड सिक्योरिटी के लिए भी उनके हेल्थ का सुरक्षा करना ये हमारे लिए कंसर्न है हमारा, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। वो तंदुरुस्त रहेंगे तभी आप दूध पिएंगे, तभी आप एग खाएंगे, तभी आप मीट खाएंगे। सो ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी उसी के स्वास्थ्य के ऊपर हमें चिंता करनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये एपी करके जो हम आज एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव, उसमें से मैं तो सिर्फ एक पी पर ही जोर देना चाहता हूँ। दूसरा पी जो है वो प्रिपेयरनेस वाला पी है, उसी पर हमें तैयारी करनी होगी। हमारे संसाधनों को हमें स्टॉक लेना होगा, हम है कहाँ और अभी आगे हमें कहाँ कैसे तैयारी करनी होगी। हमारे जो ट्रेनिंग करके हमारे संसाधन जो है, मानवीय संसाधन जो है, हमारी जो फैकल्टीज है, उनको भी हमें तैयार करना होगा। किस प्रकार से उनकी स्ट्रेंथ हम बढ़ाए, उनके लिए हम कैसे प्रिपेयर हो, और पूरे देश को और दुनिया को इस इनिशिएटिव के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई चीजों में दुनिया को दिशा देने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में भी दुनिया को दिशा देने का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत करेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की ओर से और WHO की ओर से जो कमेंट आए थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि भारत की ओर लोगों की नजर है, भारत की ओर देखने का दुनिया का जो रवैया है वो अब बदल चुका है। और इसी सिनारियो में ये इस प्रकार का प्रिपेयर्डनेस होना और इसके लिए अर्ली डिटेक्शन हो, सर्वेलेंस हो, क्विक रिस्पॉन्स हो और फिर मैनेजमेंट हो, उन सारी प्रक्रियाओं को हम कैसे सुचारू रूप से संचालित कर सके, इसके लिए विभाग ने जिस प्रकार से कार्यक्रम को आरंभ किया है, मैं विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देता हूं। और हमारे PMO की ओर से, साइंटिफिक एडवाइजरी ऑफिस की ओर से भी इसमें नियमित रूप से हमको मार्गदर्शन देना, हमको प्रोत्साहित करना और दिशा निर्देश देते हुए इसको कामयाबी की ओर ले जाने का जो सहयोग मिला है, इसके लिए भी मैं सुध साहब को बधाई भी देना चाहूंगा और धन्यवाद भी करना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही स्पष्ट कल्पना है कि देश स्वस्थ होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि WHO के माध्यम से आयुर्वेद का सेंटर भी भारत को मिला और हमारे जामनगर को मिला, वो भी एक प्रकार से इसी दिशा का ही एक इनिशिएटिव है, इसी दिशा में ही आगे बढ़ने का एक माइलस्टोन मैं तो कहूंगा। क्योंकि हमारे एनिमल सेक्टर में भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता भी है और जरूरत भी है। इन सारी चीजों को इसके साथ, एपी के साथ जोड़ भी सकते हैं हम, इसमें भी इनका किस प्रकार से हम प्रयोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे रूरल सेक्टर्स में, इंटीरियर एरियाज में ये अल्टरनेटिव मेडिसिन और आयुर्वेद मेडिसिन का भी प्रयोग और भी जो भी हो सकती है, इस सारी चीजों का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और इसके जरिए हमारे एनिमल के स्वास्थ्य को, हमारे आसपास के समूह के स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसी दिशा में इन दोनों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक की ओर से जो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए सहायता मिली है, इसके लिए भी मैं वर्ल्ड बैंक को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उसको बधाई भी देना चाहता हूं कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को मदद भी किया है और आगे भी उसकी ओर से हमें इस प्रकार की मदद मिलती रहेगी। इस प्रकार के प्रोजेक्ट में जैसे कि हमारे पूरे देश के इंस्टीट्यूट को हम इसके लिए स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा लेबोरेटरी का स्टेटस हो, हमारे चेकअप करने वाले इंस्टीट्यूट का लेवल हो,
उसी को बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम इस एशोज के माध्यम से हम प्रयास करेंगे और करना चाहिए। ये जरूरी भी था, बहुत ही टाइमली मैं तो कहूंगा कि ये स्टेप्स हमारे डिपार्टमेंट की ओर से आया है। चतुर्वेदी जी ने जब प्रेजेंटेशन पहली बार किया था तब ये वन हेल्थ अभी इतना कॉन्क्रीट नहीं हो रहा था, मगर उसी अच्छी शुरुआत की वजह होती है, कुछ बीज अच्छे जब हम बो देते हैं तो इनके पेड़ भी अच्छे निकलते हैं। होनहार बिरवान के बहुत चिकने पात, जो छोड़ बड़ा होने वाला है उसके पत्ते बहुत ही चिकने होते हैं, ऐसा ही ये बीज बोया गया और अभी इसके फल हम भुगतने की तैयारी कर रहे हैं। आज इसी अवसर पर विभाग ने जिस प्रकार से इनको सक्रियता से समय पे इसको तैयार करके लॉन्च करने तक पहुंचा दिया, इसके लिए इन्हें जिन जिन अधिकारी कर्मचारियों ने सहयोग दिया होगा उसकी भी मैं खुल के प्रशंसा कर रहा हूं। एक ऐसा इनिशिएटिव है, आज इनकी कल से कोई बड़ी वो नहीं होने वाली है, मगर अगले दिनों में इतिहास में ये ऐसी घटना लिखी जाने वाली है कि भारत ने लिया हुआ इनिशिएटिव पूरी दुनिया में एक इस प्रकार के सार्वत्रिक समावेशिक हेल्थ को प्रमोट करने की दिशा का एक नींव होगा। ऐसे कार्यक्रम को आज बैसाखी के दिन, हमारे तमिल नववर्ष के दिन और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि उन्होंने सोशल हेल्थ के लिए बाबा साहब ने काम किया था, तो ये पूरे हेल्थ का कॉन्सेप्ट का बीज भी इसके बीच में आता ही है। ऐसे महापुरुषों की पावन स्मृति के साथ जब हम ऐसी एक कार्य का प्रारंभ कर रहे थे करते हैं तभी उनके आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होने का हमें लाभ मिलता है। ऐसी शुभकामना के साथ सभी जो भी स्टेक होल्डर्स यहाँ आए, खास करके WHO, वर्ल्ड बैंक और FAO के साथियों को, सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ, सभी का धन्यवाद भी करता हूँ और प्रेस और मीडिया के साथियों को विनती करता हूँ कि भारत के इस इनिशिएटिव को आप इस प्रकार से अवेयरनेस के कार्यक्रम को दुनिया में इसको मैसेज के रूप में आप प्रसारित करेंगे, ऐसी एक अपील के साथ पुनश्च आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा, आज के दिन इनफैक्ट हम दो नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने जा रहे हैं, इनफैक्ट उसका लॉन्च हो गया अभी मॉर्निंग में। पहला है एक वर्ल्ड बैंक का एक नया प्रोजेक्ट भारत सरकार ने नेगोशिएट किया है, इसका नाम है वन हेल्थ सपोर्ट प्रोजेक्ट। 5 जो हमारे राज्य हैं जिनमें पैंडेमिक एनिमल पैंडेमिक का रिस्क ज़्यादा दिखता है इंडेक्स के अनुसार, उन 5 स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इनमें करीब 75 जिलों में करीब 300 वेटनरी हॉस्पिटल की स्ट्रेंथनिंग करी जाएगी, करीब 5,500 वेटनरी डॉक्टर्स को और करीब 9,000 पैरावेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि अगर कोई एनिमल पैंडेमिक का आउटब्रेक होता है तो उसे हम सुचारू रूप से उसको कंट्रोल कर पाएँ, और अगर कंट्रोल नहीं होता है तो आगे चल के उसके लिए अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन या दूसरे मेडिकल इनिशिएटिव्स भी हम साथ में कर सकें। इसके अलावा पूरी भारत में हम एक नया एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 5-6 प्रधान पहलू हैं। पहला पहलू है कि हमारे आउटब्रेक रिस्पॉन्स के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने कि स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पॉन्स टीम्स इमीडिएटली साइट पे जाएं ताकि उस आउटब्रेक को कंट्रोल किया जा सके। उसमें दूसरा प्रधान पहलू है कि हमारी जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं हमारे वैक्सीन्स के लिए, मेडिसिन्स के लिए, उसको सारा हम ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनलाइन और रियल टाइम में करेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर सुचारू रूप से नए मेडिसिन्स और वैक्सीन्स को डेवलप कर सके। तीसरा, जो हमारा नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन है उसके तहत हम अपने फील्ड से जो डेटा है वेटनरी सर्जन्स का, फार्मर्स का, उन सबको हम एक डेटा पोर्टल में कलेक्ट कर सकें ताकि उस डेटा को एनालाइज करके हम
डेटा एनालिटिक्स के जरिए हम डिजीज़ आउटब्रेक को प्रेडिक्ट भी कर पाएँ और रिस्पॉन्ड भी कर पाएँ। चौथा इसका प्रधान पहलू ये भी है कि हम एनवायरमेंटल सर्वेलेंस से जो एनिमल्स के जो फीकल सैंपल्स होते हैं, एबेटोर्स के जो सैंपल्स होते हैं, उनको कलेक्ट करके उससे भी हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ डिजीज़ का। और उसका अंतिम पहलू ये है कि हम हर तरह की फंडिंग और सपोर्ट इसके लिए कलेक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए हम भारत सरकार का सरकार के जो बजटरी प्रोग्राम्स हैं उनका भी लाभ उठा रहे हैं, लेकिन साथ में वर्ल्ड बैंक जैसे मल्टीलैटरल एजेंसीज से हम बात कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट अभी आया है, एक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, और एक ग्लोबल पैंडेमिक फंड है जो जो कोविड के परिप्रेक्ष्य में चलाया गया है, जिसमें ग्रांट फंडिंग मिलती है। तो उसके लिए भी भारत सरकार ट्राई कर रही है कि इन सारे एजेंट्स मल्टीलैटरल और बायलैटरल सोर्सेज से हम फंडिंग लेकर अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाएँ, ताकि हम पैंडेमिक्स को और अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँ। हमारे रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस है वैक्सीन्स का, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। उसमें बहुत सारी टेस्टिंग करी जाती है पहले एनिमल्स पे, और उसके बाद उसको फील्ड में उतारा जाता है। उसमें शॉर्टकट तो नहीं अपना सकते हैं, लेकिन फिर भी उस प्रोसेस को जितना हद तक हम उसको कम कर सकें, छोटा कर सकें, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेनली हमने जो नया एक कदम उठाया है कि ये जो सारा प्रोसेस है हम उसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ताकि जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है जो अप्लाई कर रहा है उसको हमेशा पता लगे कि उसका कौन से स्टेप पे उसका वैक्सीनेशन का एप्लीकेशन पेंडिंग है, टेस्टिंग में है, किस एजेंसी के पास पड़ा हुआ है। और उस ट्रांसपेरेंसी से ऑटोमेटिकली हम हमारी आशा है कि उसके तहत हम ज़्यादा जल्दी हम अप्रूवल्स दे पाएंगे, और हमारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको एक आश्वासन भी रहेगा कि उनके जो एप्लीकेशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हैंडल किए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं, और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें, और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार G20 की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है, और इसी को देखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वाराणसी में आयोजित किए गए एक ऐसे ही कार्यक्रम की झलकियाँ।
वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो अभी आपने देखा कि वाराणसी में कैसे G20 के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशों से भी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम किन योजनाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि हमारे किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करता है। जी हाँ, ऐसे में उन्हें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता और सीधे वो अपने किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और ये किसान क्रेडिट कार्ड उनके एक सच्चे मित्र की तरह साबित हो रहा है। कैसे हमारे किसान इसका लाभ ले रहे हैं और अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप कैसे इसे बनवा सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से हमारे इस रिपोर्ट में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में KCC में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से KCC योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को ATM सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख KCC स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि। सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है।
इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आशा करते हैं कि आज के अंक में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कर लें, कृषि दर्शन कमरा नंबर 58 CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन।